तुम्हें तो कैसे लग रहे हैं मेरे चश्मे? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 8 और मैं और मेरी स्वामी जी आए हैं मार्केट कुछ सामान लेने के लिए। तो आगे पता चल जाएगा आपको ब्लॉग में कि हम क्या लेने आए थे। और आगे हनुमान जी का मंदिर बालाजी चौक, हनुमान चौक, तो आप भी कर लीजिए बालाजी के दर्शन। जय हो बालाजी महाराज, जय हो बजरंग बली। इतना घर का सामान लाए हम, देखिए ये चाय बनाने के लिए, एक में अंडा, आमलेट या फिर भुजिया या फिर वो भी बना सकता उसमें। ये देखिए और क्या लाए हैं, इतना बड़ा हो गया ये लड़का, अपनी शॉपिंग खुद नहीं करता, दाढ़ी मूछ आ गई है। ये देखिए ये लाए इसके लिए लोवर, दो लोवर पहन के देख, पहन के तो देख। और ये लाए दो टी शर्ट, पहन के देख ना। The next day. मेरा बेटा तैयार हो चुका है, एक हफ्ते के लिए आया था, एक हफ्ते की छुट्टी थी इसकी और इसकी तैयारी हो चुकी है, मांडे बर्तन रख दिए हमने इसके। दोस्तों इसको आई फ्लू हो रखा था इसलिए हमने अपने पास बुला लिया था। आज एक हफ्ता हो चुका है इसको आए हुए, अब थोड़ा ठीक है इसका आई फ्लू, तो आज जा रहा है। उसको भी पता नहीं इस बार अच्छा नहीं लग रहा हमारे बिना वहाँ। हमें सब अपना पर्स दिखा रहा भैया को, जस्ट की बॉल मत दियो। हम सब अपना पर्स दिखा रहा है, पर्स में कितने पैसे हैं हम भी देखेंगे। 500 तो एक ही 500 दिन बाद दिखा दिया। रुक जा रुक जा, तो मैं रुक जा। 500 A few moments later. तैयार हो चुका है, चश्मे चश्मे डाल के ये हमारे दूसरे हीरो। अभी बाय, अभी बाय कर रहे, बाय अभी आए कैसे नीचे, अभी 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 गाड़ी। One hour later. Hello guys, देखिए हम शूटिंग से आ रहे हैं, हमें अपना प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है इनकी वजह से। तो कैसे लग रहे हैं मेरे चश्मे? तो मैंने सोचा मैं अपने लिए भी ले जाती हूँ क्योंकि मेरे पहले वाले टूट गए हैं और एक जोड़ी घर छूट गए हैं, इसलिए कैसे लग रहे जरूर बताइएगा। मेरे चश्मे पता नहीं क्यों नीचे खिसकते हैं यहाँ से, जैसे उसके नहीं कुछ मुंशी है। मुझे अपनी शक्ल देखने में कैसा लग रहा हूँ? अच्छा ले देख। कैसे देखूँ? अच्छा सॉरी, ऐसे देख, ऐसे में कैसे देखूँ? अच्छा सॉरी, ठीक है मैं बंद करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? बढ़िया है, दम नहीं आवाज में। हेलो मिस्टर नील, कैसे हो आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे। अनुज के लिए हम लेके आए डोसा, मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया है। अनुज ने कहा मम्मी मेरे लिए कुछ लेके आना, तो मैंने सोचा चलो डोसा ही लेके आते हैं। तो अनुज देखिएगा कैसा डोसा है। मैं पंखा बंद करने के लिए बोल रही हूँ, जीवन आज हम मोर जला गर्म वाला गर्म 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 ही लाए हैं। ये डोसा है, मसाला डोसा, चिपक गया तो चटनी कौन कौन सी है? ये सांभर है, ये उसकी है नारियल की, और उधर वाली क्या है? मिर्ची वाली चटनी, मिर्ची वाली गर्मा गर्म ना, बड़े भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। ये चटनी है, ये नारियल की चटनी, ये सांभर, ये कौन सी चटनी है? ये मसाला। मसाला तो कैसा हो रहा है? देख लो इधर को, अपनी आँख दिखा,
आंख मारे अभी कि चाय नहीं जी का चाय पीने का मन कर रहा है, तो तब तक मैं बनाती हूँ चाय, मिलती हूँ थोड़ी देर में। टाइम हो चुका है 8 और आज मेरा बड़ा बेटा भी अपने कॉलेज चले गया है, तो उसके संग अच्छा लगता है, खूब मस्ती करता है, वो भी उसके भी आँख में आई फ्लू हो रखा था तो उससे अनुज को भी फैल गया। अब देखते हैं हम कब तक बचे रहते हैं। तो मैं बनाती हूँ चाय। दोस्तों हमें डाउट हो रहा है, हमने आम लिए थे, फ्रूट लिए थे और भी, उन्हें जी कह रहे कि मैं लिए कि नहीं लिए, 400 रुपये ही कितने के थे वो। ये लिए हमने आलू बुखारे, केले, आम, आम 120 रुपये के जी, बहुत महंगा हो रहा है। कल फास्ट है इसलिए लेना पड़ा, मैं तो सही जाऊंगी ऐसे, लेकिन अनुज के लिए चाहिए, अनुज का भी फास्ट रहता है मंडे का। और सब्जी इतनी महंगी हो रही ना, 80 रुपये से नीचे कुछ है ही नहीं, सब चीज़ 80, कम से कम 80 रुपये से स्टार्ट है। मेरी चाय बोल चुकी, मैं दूध लेने गई थी और बातों में, और ही बातों में लग गई मैं, अब भूल गई। क्या बोल रहा है, जोर से बोल। ये डाल दिया है मैंने दूध, चाय कर चुकी है। इससे क्या होगा, नेगी जी के लिए, नेगी जी को तो बहुत सारी चाय चाहिए, और कप भी बड़ा वाला चाहिए उनको, और मेरे लिए छुटकू सा कप, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है चाय। क्या हुआ, चाय बन चुकी है, चाय बन चुकी है जी।